in. यहाँ पर इशारे लगे हुए हैं, मेट्रो है, बसेस हैं, टैक्सी है और एग्ज़िट का रास्ता है, और आप स्टेशन का पता ही नहीं है कि स्टेशन की बिल्डिंग कौन सी हो। आप डायरेक्ट मेट्रो में घुस जाएं, टैक्सी में घुस जाएं या बस में चले जाएं, वो और स्टेशन नहीं देख सकते कि आप अगर बाहर नहीं निकले तो आप स्टेशन नहीं देख सकते कि कैसी बिल्डिंग है स्टेशन की। ये सिर्फ हांगजो ईस्ट रेलवे स्टेशन का अराइवल एरिया है, डिपार्चर एरिया अभी अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ अराइवल्स एरिया है और इतना बड़ा है। ये जी इतना रश लगा हुआ है, टिकट मशीनों पर इतना रश है कि कैसे किया जाए। तो मैंने जो है वो हांगजो का जो मेट्रो मैप है वो डाउनलोड कर लिया है, और प्लस में हम मैंने मोबाइल कार्ड जो मैंने आपको बताया था वो एक वीडियो में विचेट की, तो वो मैंने एक्टिव कर लिया है, तो हम बिना टिकट खरीदे ही एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर जो मेट्रो लाइन है वो लाइन 1 और 4 है, और अभी मोबाइल कार्ड निकालता हूँ और अंदर चलता हूँ। वाह, QR कोड चल गया है, अब ये मेट्रो में तो चल गया है, एक्टिव हो गया ना, तो आपको टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन बहुत ज़्यादा रश था, तकरीबन 15-20 मिनट लग जाते टिकट लेते हुए ही और देखते हुए ही। अब मैं अंदर चलता हूँ और देखता हूँ कहाँ जाना है। लाइन नंबर 1 पे तो जाना है और देखते हैं कहाँ जाना है। ये टाइम सेव हो गया, ये सिर्फ मोबाइल पेमेंट की वजह से। मुझे लगता है मैं लाइन 1 ही मुझे लेनी है, लेकिन मैं गलत प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। दूसरा प्लेटफॉर्म जो है साथ में वो लाइन नंबर 4 का है। अब लाइन नंबर 1 का ढूंढते हैं कहाँ है। मेरे पास सारी नेविगेशन जो है वो चाइनीज़ में बनी हुई है, थोड़ा सा शुरू में मसला होता है। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ वो वेंडिंग मशीन है, उनकी वो एप्लीकेशन बनी हुई है मोबाइल पे, तो सिर्फ आगे अपना फेस रिकग्नाइज़ कर रहे हैं और पासवर्ड लगा रहे हैं वो वेंडिंग चीज़ से, और वेंडिंग मशीन से चीज़ें बाहर। यहाँ चाइना की मेट्रो जो भी है, वो चाहे किसी भी सिटी की हो, इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप जिस स्टेशन पे खड़े हुए हैं उसको तो इन्होंने रेड किया होता है और हमें पता चल रहा होता है कि हाँ हम इस स्टेशन पे खड़े हुए हैं। जबकि मैं फिलिपाइन में गया था, मलेशिया में भी गया था, या मैं उधर थाईलैंड में गया था, वहाँ भी ये चीज़ें नहीं हैं। सबसे पहले आपको यही मालूम करना होता है मेट्रो के लिए कि आप खड़े किस स्टेशन पे हुए हैं। आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से नेविगेशन लेना इजी हो जाता है, और मैंने नेविगेशन बना ली है। अब मेट्रो भी आ चुकी है और चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अभी हम निकले भी नहीं हैं, पीछे इनकी दूसरी मेट्रो भी आ चुकी है। मैं पहुंच चुका हूँ लियांगशाओ, पता नहीं क्या नाम है। मुझे लेना है D3 का एग्ज़िट, और वहाँ से 150 मीटर चलना है, और फिर लेनी है एक बस। बस पे कोई ख़ास नंबर नहीं है, चाइनीज़ में आ रहा है सब कुछ। चलो देखते हैं, और मोबाइल से दरवाज़ा ओपन होगा मेट्रो का। यहाँ हांगजू का जो सिस्टम है, मेट्रो सिस्टम है, वो तो बहुत एडवांस है, शंघाई से भी काफ़ी एडवांस लग रहा है। और बहुत यहाँ पे अनाउंसमेंट जो है वो इंग्लिश में हो रही है, और प्रिकॉशंस इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं, और यहाँ ये भी बता रहे हैं यहाँ पे कौन सा सीनिक एरिया है, कौन सी अट्रैक्शन है। कट गए हैं डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से 4 युआन कट गए। ये पहुंच चुके हैं बाहर मेट्रो के, और अब देखते हैं बस कहां से मिलेगी। 150 मीटर है,
मैं इस वक्त जा रहा हूँ हांगझो ज़ू की तरफ और इस बस में बैठा हुआ हूँ। मेट्रो का कार्ड और बस का कार्ड अलग होता है, तो यहाँ मैंने बस का कार्ड नहीं बनाया हुआ था तो मैंने बस का कार्ड भी बना लिया और पे कर दिया बाय मोबाइल। चलिए मैंने बस में चढ़ने लगा, उसका किराया था 5 युआन जो कि फिक्स्ड किराया था, लेकिन फिर मैंने वहाँ से दोबारा नई लोकेशन लगाई, नई बस आ गई, उसी बस आ गई और उसका फिक्स किराया था 2 युआन। अब मैं 2 युआन वाली बस में बैठा हुआ हूँ और जा रहा हूँ अपनी मंजिल की तरफ। ये पूरे का पूरा टूर ग्रुप है, वो बस में चढ़ा था, सबके सब उतर गए हैं।